मेरे दिल में निदाने दा अजी बाबा क्या है ये बाबा This is Fahad, Fahad Ahmed, and welcome to my YouTube channel. और इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ, कहाँ खड़ा हूँ भाई? इस वक्त रिजवान दिल्ली नारी हाउस। कौन सा एरिया ये? ये साढ़े पाँच करेंगी साढ़े पाँच पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर मिल रही है 80 रुपए पाव बिरयानी। भाई क्या क्या चीज़ है? असल मुन्ना गुजिया वाले हैं जी। असल मुन्ना गुजिया वाले का असल जायका है, बिरयानी है, नहारी है, बीफ पुलाव है, बीफ कोरमा है, चना है, और शामी कबाब रोल है, सब कुछ आइटम है यहाँ पर। गर्म अगर मोटी 25 रुपए की। अच्छा, और ये 80 रुपए पाव जो बिरयानी दे रहे, इसके पीछे क्या लॉजिक है? 80 रुपए पाव लॉजिक ये है कि रमजान ऑफर है सर, सिर्फ रमजान ऑफर है, सिर्फ रमजान ऑफर है। हम किसी की ऐसे मदद नहीं कर सकते, तो ऐसे कर सकते हैं कि हम सस्ता सामान बेचे, सस्ता सामान बेचे कि गरीब से गरीब बंदा खा ले, कोई ऐसा बंदा ना हो कि वो दे खरीद सके। अब 100 रुपए मिल रही है, 150 रुपए भी मिल रही है, एक बार बिरयानी पेट भरता ही नहीं है। 80 रुपए में कम से कम एटलीस्ट ये है कि 160 में आधा किलो खाएगा पेट भर जाएगा, बस यही लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं है। और कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। 80 रुपए पाव बीफ वाली बिरयानी, बीफ बिरयानी है, और बीफ पुलाव है 80 रुपए पाव। दोनों चीजें दोनों दोनों, और हर सालन के साथ 200 रुपए की नारी के साथ 2 रोटी फ्री है, बीफ कोरमे के साथ 2 रोटी फ्री है, 250 रुपए की केले के साथ 2 पराठे फ्री है, यानी कि फ्री आइटम ज्यादा है हमारे पास। अच्छा गाइस, देखिए आप लोग रमजान की जो बरकत है वो यहाँ पे सही से नजर आ रही है। इस वक्त हम खड़े हुए असल मुन्ना गुजिया वाले के सामने, और यहाँ पर 80 रुपए पाव की बिरयानी बिक रही है, और काफी सारे लोग यहाँ पे खा रहे हैं। सामने की तरफ फैमिली का इंतजाम हुआ है, और सिर्फ बिरयानी नहीं, बाकी सारी चीजें भी ये निहायती कम प्राइस में दे रहे, और ये भी बताया जा रहा है कि 200 रुपए की नहारी के साथ 2 रोटी फ्री है। मतलब आप कोई भी सालन लेते हैं, 2 रोटी फ्री, कोई भी सालन लेते हैं उसके साथ आपकी 2 रोटी फ्री है। तो एक बहुत अच्छा पैकेज है, रमजान का पैकेज है, और करेंगे नंबर 5.5 असल मुन्ना भाई गुजिया वाले के सामने। असल मुन्ना गुजिया वाले की ब्रांच चाहिए, असल मुन्ना भाई गुजिया वाले की ब्रांच चाहिए। अच्छा, मैं आपको यहाँ के ऑनर से बात करा देता हूँ कि 80 रुपए पाव जो बिरयानी दी जा रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उन्होंने क्या सोचकर ऐसा किया, क्या कराची वाले बहुत ज्यादा सखी हो गए, या जो महंगाई बढ़ रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है, या इस तरीके से किया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, वो खाते कम पैसों में अच्छा खाना खा सके। थोड़ी देर मेरे साथ इंतजार करें, और मैं आपको लेके चलता हूँ, ऑनर से ही बात कराता हूँ जो इस वक्त बिरयानी दे रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल को देखते रहिएगा, और आपको दिखाएंगे 80 रुपए पाव बिरयानी के साथ और क्या क्या चीजें मिल रही है। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया 80 रुपए पाव बिरयानी चल रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो खाना खा रहे हैं, तो हम यहाँ से लोगों के रिव्यू पूछ लेते हैं और आपको बता देते हैं जिन लोगों ने अभी अभी बिरयानी खाई कि उनका टेस्ट, बिरयानी का टेस्ट कैसा और किस तरीके से। इन भाई से बात करना चाहेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैज अली। फैज भाई, बिरयानी खाई 80 रुपए पाव वाली? जी ऐसे ही जी, अभी खाई। कैसा टेस्ट, कैसा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है। तो गोश्त की मिकदार और चावल की मिकदार किस तरह की? बहुत अच्छा था, जो नॉर्मल बिरयानी खाते वैसे ही था, 80 रुपए पाव वाली लगी नहीं रही थी, कोई 80 रुपए नहीं लग रही थी। तो क्या कहना चाहेंगे, लांडी करेंगे क्या? लांडी करेंगे, और हमसे कहना चाहेंगे आप भी अपनी फैमिली को भी लेकर आए, यहाँ के खाना खाए, वो बिरयानी खाए, बिरयानी खाए जी। अच्छा, टेस्ट वगैरह जो भी है बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके, मतलब बिल्कुल मजेदार, बहुत मजेदार है, सस्ती बिरयानी है। और लोगों के जहन में ये जो आ रहा है 80 रुपए की बिरयानी है, कोई खास टेस्ट होगा ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट है, 80 रुपए बिरयानी से ज्यादा अच्छा टेस्ट है। अच्छा, बहुत सस्ती बिरयानी है। और समझ रहे फ्री हो गए आप? जी जी बिल्कुल फ्री हो गए हम। अच्छा समझ रहे, क्या बोलना चाहेंगे 80 रुपए की बिरयानी जो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ये जो महंगाई जो चल रही है यहाँ पे, जो बीफ की जो बिरयानी, जो बंदा जो गरीब बंदा है वो नहीं खा रहा था, तो अब यहाँ पर इस दुकान पर बंदा वो खा भी रहा है, अच्छा। एक टाइम का लेके भी जा रहा है। अच्छा, अब जो बिरयानी, जो बीफ बिरयानी जो पाव मिल रही थी 130-150 के दरमियान मिल रही थी, हमने जो यहाँ रेट रखे हैं 80 रुपए पाव बीफ बिरयानी हम चला रहे हैं, और नारी में हमने पूरी हर चीजों के हमने रेट कम रखे। अच्छा, इसी मारे महंगाई की मारे, ये रमजान की आमद में हमने ये इस कोशिश हमने वाला रेट भी और कम कर लिया। सही। अच्छा, लोगों को बहुत ज्यादा कंसर्न होगा यार, 80 रुपए की बिरयानी दे रहा है तो गोश्त कहाँ से ले रहे भाई, गोश्त कहाँ से ले रहे बता सकते हैं? नहीं, गोश्त हमारा अपना कमेला है, वहीं से हमारा जानवर कट के आता है,
और यही हमारा सुबह गोशीदर आ जाता है। अच्छा जी, अगर आपको ज्यादा वो है तो मैं आपको अपना कैमेला भी दिखा सकता हूँ। अच्छा, यहाँ से गोश आ रहा है और सुबह किसी को देखना है गोश जैसे आता है तो सुजुकी में मेरे पास गोश आता है सुबह। अच्छा। सुबह 5 बजे मेरे पास गोश आ जाता है। 5 बजे मेरा गोश आना शुरू हो जाता है। अच्छा, बिरयानी के साथ साथ 80 रुपए की बिरयानी के साथ आप क्या क्या यहाँ पे और लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? 200 की नियारी है, हम उसके साथ 2 रोटी फ्री दे रहे हैं। कीमा जो हम चला रहे हैं 250 का कीमा है, उसके साथ 2 पराठे हमने फ्री रखे हैं। कोरमा है 300 रुपए का, उसके साथ हमने 2 रोटियां फ्री रखी है। अच्छा, रोटियां फ्री है? जी, रोटियां फ्री है। हर सालन के साथ रोटी फ्री है? जी, हर सालन के साथ रोटी फ्री है। चले, ये जो एक काम है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को मद्देनजर रखते हुए कि हर बंदा मुतवस्सित तबके का हो या नीचे तबके का हो, जो भी हो वो बंदा अच्छे से खा सके, अच्छे से खा सके। ठीक है, देखिए गाइस, ये है कराची हाइट वाले, कराची के लोग जो कि अपने लोगों के बारे में सोचते हैं और इन्होंने भी अपने लोगों के बारे में सोचते हो। यहाँ पर जो प्राइस रखे वो कम से कम रखे हुए, और जैसे कि आपने वीडियो में देख लिया होगा, काफी सारे लोगों ने इनकी बिरयानी की तारीफ करी। 80 रुपए सुनकर आप घबराए नहीं, ये नहीं कि आप लोगों को लग रहा होगा गोश्त अच्छा नहीं है या चावल अच्छे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे जो भी व्यूज है, जो लोग भी खा रहे हैं उसकी तारीफ करके जा रहे हैं, तो समझ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे जो आप कराची के लोगों के लिए कर रहे हैं, लांडी कोरंगी के लोगों के लिए कर रहे हैं। और लांडी कोरंगी के लोगों को और लांडी कोरंगी से बाहर के लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो भी आए, वो भी जाएगा, चेक करें, इंशाल्लाह उनको मजा आएगा, कम पैसों में अच्छी चीज दे रहे हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइस, ये जो जगह आपको नजर आ रही है ना, ये फैमिली के लिए इन्होंने जगह बनाई हुई है, और रिजवान दहली नहारी जो हाउस है उसके सामने एक छोटा सा फुटपाथ के ऊपर इन्होंने जगह बनाई है। यहाँ जो फैमिली है वो खाना खा चुके हैं, तो जरा इनसे पूछ लेते कि बिरयानी किस तरह की है। मानी भाई, आया जरा इनसे एक रिव्यू ले लेते हम लोग बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसा लगा आपको 80 रुपए वाली बिरयानी खा के? बहुत अच्छी है, बहुत मजे की है बिरयानी, ऑफर इतनी अच्छी है और रोल भी बहुत मजे का है। अच्छा, आप रिकमेंड करना चाहेंगे लांडी कोरंगी लोगों को? बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ जिसने नहीं खाई वो यहाँ के टेस्ट करें, और अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, बहुत मजा आएगा खाने में। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे 80 इस महंगाई के दौर में 80 रुपए की बिरयानी आजकल कहाँ मिलती है इस महंगाई के दौर में? एक बंदे का पेट आराम से भर रहा है 80 रुपए में। अच्छा, और कुछ लोगों के ध्यान में ये चल रहा है 80 रुपए की बिरयानी ऐसी होगी खास? नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी है, गोश्त भी अच्छा है, चावल भी अच्छे हैं, बहुत मजे की है, हमें बहुत अच्छा लगा, रोल भी अच्छा लगा, बिरयानी भी अच्छी लगी। चले, मतलब खूब शेर होके खाया? जी हाँ, पेट भर गया वो हमारा, पेट भर गया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अच्छा गाइस, इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ दो भाइयों के करीब, और ये माशाल्लाह इनकी तीसरी प्लेट चली है, सही है भाई? ऐसा ही है, कम पैसों में बहुत ज्यादा बिरयानी है। अच्छा, हमें तो आज पता लगा तो हम यहाँ आए, बाकी सब लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ आए और माशाल्लाह मुन्ना भाई की बिरयानी खाएं, पुलाव खाएं, बहुत आला और मुनासिब रेट में बहुत आला है। तो चौथी प्लेट मंगवा रहे फिर आप? चौथी कल इंशाल्लाह, चौथी आज तीन हो गई, आज तीन हो गई है। और भाई आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, बस जो भाई ने बोला वो यही बेहतरीन है, अल्लाह का शुक्र है, जो भाई ने बोला वही चिपका दो पूरा, बस मतलब मजे की बिरयानी बेहतरीन है। अच्छा भाई गाइस, हमारी भी बिरयानी आ चुकी है 80 रुपए पाव वाली, और बिरयानी की शक्ल देखिए आप, हमारे भाई कैसे लग रही, कैसे नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, नहीं। क्या मिर्चें बहुत ज्यादा है क्या? ये तो पहले चम्मच में मिर्चें लग रही है यार, लेकिन है बहुत टेस्टी यार, है बहुत टेस्टी। मैं तो खाऊंगा, इसके बाद दोबारा मंगाऊंगा, दोबारा मंगाऊंगा। अच्छा गाइस, यहाँ पे करेंगे अपने व्लॉग को खत्म, क्योंकि हमें बिरयानी खानी है, तो आप लोग आए यहाँ पे देखें, और लांडी कोरंगी की आवाम जरूर आए यहाँ पर बिरयानी खाने के लिए। मैं तो अफ्तारी भी कम की थी, इसी वजह से तो मुझे बिरयानी खानी थी। अच्छा, यहाँ पे दीजिए माली और माधव यादव, इस अपने पद के साथ में अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, हमें दुआ में याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।